हे गाइस, मेरा नाम मुकेश। मैं आज का नए वीडियो और लॉन्ग लास्टिंग रिव्यू वीडियो में, और यहाँ पर मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ एक ऐसी रोम का जो दोस्तों चारों तरफ से एकदम अच्छी सी रोम हमें निकल कर आती है, जो बैटरी बैकअप के मामले में प्लस यहाँ पर मल्टीटास्किंग प्लस कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पर हमें ये रोम अपडेट देखने को मिलती है। ये पिक्सल प्लस यूआई के बारे में आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों चलते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पिक्सल प्लस यूआई को अपने फ़ोन में फ्लैश किया है। ये मेरा प्राइमरी फ़ोन है और मैं इसको यूज़ करता हूँ प्राइमरी की तरह। अब यहाँ पर बात करें इसके फोन दोस्तों, आप एंड्रॉइड वर्जन तो देख ही पा रहे हो, एंड्रॉइड 11। इस पर हम क्लिक करते हैं क्लिक, और इसका हमें पूरा इन्फॉर्मेशन पिक्सल प्लस यूआई ऑफिशियल है। इसके मेंटेनर हमें प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं एंड्रॉइड 11 पर 5 जून के सिक्योरिटी पैच के, 5 जुलाई के सिक्योरिटी पैच के साथ में गूगल प्ले सिस्टम के अपडेट की बात करें तो 1 जून 2021 का हमें सिस्टम अपडेट देखने को दोस्तों ऑफिशियल बिल्कुल एकदम। इसके हम अगर बात करें कुछ फीचर्स की, तो मैं इसको प्राइमरी यूज़ करता हूँ, काफ़ी दिनों से मैं इसकी यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों हम बात करें इसके रिव्यू की, तो इसमें काफ़ी कुछ अच्छे से अच्छे फीचर हैं। और यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे होंगे कि गूगल के नीचे ये गूगल का नया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल बोला जैसे इन्होंने सुन लिया, तो यार ये असिस्टेंस का कमाल है। और आप देख पा रहे होंगे कि गूगल में से ये क्या निकल करके आ रहा है। अगर हम इसके कुछ से और यहाँ पर स्टेटस बार की बात करें, तो यहाँ पर भी काफ़ी कुछ हमें कस्टमाइजेशन हमें वन प्लस की तरह देखने को मिल जाता है। प्लस आप यहाँ पर कुछ मॉडल को फ्लैश कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आप मॉडल को फ्लैश कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पर स्टेटस बार का जो यहाँ पर नेटवर्क आइकॉन है उसको मैंने फ्लैश किया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत मुझे देखने को अभी तक नहीं मिली। बात करते हैं दोबारा सेटिंग में चलते हैं, इसके रिव्यू को एकदम एक एक करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों देने वाले हैं, विथ बैटरी के सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके का रोम आपको डेली यूज़ के लिए, आपको लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए आपको बहुत ही अच्छा रोम देखने को मिलने वाला है। काफ़ी मस्त रोम है। हम बात करें इसके सिस्टम एंड अपडेट्स के अंदर, तो हमें जेस्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, डेवलपर ऑप्शन है, प्लस सिस्टम अपडेट है। इसमें ओटीए का भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और सिस्टम के अंदर जेस्टर्स के अंदर हमें आपको 3 फिंगर स्क्रीन शॉट और यहाँ पर कुछ जेस्टर्स एनिमेशन देखने को मिल जाती है। तो जेस्टर्स के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन की इसमें कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी चार चांद लगा देता है ये रोम हमारे फ़ोन में। अगर आप इसको डेली यूज़ के लिए या फिर लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो बैटरी के मामले में ये काफ़ी तगड़ी रोम है दोस्तों देखने को मिलती है। प्लस इसका यूआई भी एकदम कमाल है, मल्टीटास्किंग आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट स्टेप की, वो है इसका सिक्योरिटी। तो फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट काफ़ी यहाँ पर ऐप लॉकर सारे ऑप्शन यहीं पर हमें देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी फ्लेक्सिबल तरीके से यार काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कम्प्लीटली यहाँ पर वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, ऐप लॉक, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा विथ प्रूफ के। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं अगर बात करूँ साउंड की, तो साउंड भी लाजवाब है दोस्तों। मैंने आपसे पहले ही बोला कि एकदम इसके जो फीचर हैं वो जो हम डेली जो हम अधिकतर यूज़ करते हैं, जैसे कि म्यूजिक का सुनना या फिर बैटरी का बैकअप, तो ये सारे हमें एकदम मल्टीटास्किंग हो गया। तो एक जो कॉमन से फीचर हैं ये काफ़ी प्यारे दोस्तों लगते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किए हैं इनके मेंटेनर ने पिक्सल प्लस यूआई के अंदर, काफ़ी पसंद आया दोस्तों। मैं आपको अगर सुनाऊँ इसका सैम्पल एक साउंड का, और अगर मैं इससे साउंड का एकदम कमाल धमाल सा साउंड का आपने सैंपल, काफ़ी प्यारा है उसमें साउंड, इसका लाउडनेस में कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर साउंड है, साउंड में मतलब कि कोई एकदम कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब हम यहाँ पर बात करें इसके कुछ और फीचर की, जो कि अब मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर सारे फीचर दोस्तों ऐड किए हैं, किसी भी फीचर की इन्होंने कमी नहीं की है। दोस्तों बात करें कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉलिंग की, तो ये ऑप्शन भी हमें देखने को हालांकि मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कॉलिंग भी आप कर सकते हैं। बस आपका ऑपरेटर आपके वीडियो कॉलिंग को सपोर्ट करना चाहिए, तो आपको वीडियो कॉलिंग में दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो कॉलिंग में दोस्तों दिक्कत आता है, आप बिल्ड पैच को फ्लैश कर लेना, वहाँ पर से आपके सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे। कॉल रिकॉर्डिंग का तो ऑप्शन आपको देखने को मिल ही जाता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वीडियो कॉल का ऑप्शन यहीं पर देखने को हमें मिल जाता है। बात करें इसकी कॉल रिकॉर्डिंग की, तो इसके अंदर हमें कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दोस्तों देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए इसके कस्टमाइजेशन की, अभी कस्टमाइजेशन भी बहुत कुछ चीज़ों को यहाँ पर चेंज कर देती है हर एक रोम में। तो
पिक्सलाइजर के अंदर आपको जाना है, और यहाँ पर आपको कुछ चार यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने को मिला। स्टेटस बार में डबल टैप टू वेक, बैटरी बैकअप, 4G आइकॉन, ब्राइटनेस कंट्रोल, ये देखने को मिला। सेकंड में चलें तो यहाँ पर कुछ क्विक सेटिंग है, क्विक टाइल है, टायर जो टेंटर की वो स्टाइल, ट्रैफिक की इंडिकेटर्स, इस तरीके से सेटिंग है। तीसरी यहाँ पर बात करें फोर्स FV ऑथेंटिकेशन, लॉक स्क्रीन, स्टेटस बार, स्क्रीन ऑफ, और लास्ट है यहाँ पर आपको देखने को कुछ वाइब्रेट है, कुछ पावर मेन्यू को एडवांस ऑप्शन देखने को वो मिल जाएंगे। पावर मेन्यू में एडवांस स्टार्ट का बटन है, स्वैप बटन है, वाइब्रेशन के ऑप्शन है, और वॉल्यूम पैनल को भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने अनुसार में। गेमिंग मोड है जो कि यहाँ पर मैं दावा कर सकती हूँ काफ़ी अच्छे में गेमिंग देखने को मिल सकती है। हेडसअप का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और भी सेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं डिस्प्ले एरिया के अंदर। डिस्प्ले एरिया के अंदर आपको स्टाइल्स, स्टेटस बार के ऑप्शन हैं, स्टेटस बार में आइकॉन ट्यूनर है, डार्क थीम है, प्लस स्टाइल एंड वॉलपेपर है, रोटेशन सेटिंग, डिस्प्ले साइज, स्मॉलेस्ट विड्थ की, लॉक स्क्रीन है, एम्बिएंट डिस्प्ले, सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ एक कमी है कि इसके अंदर हमें जेन पार्ट्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर मैं बात करूँ सेफ्टी नेट या फिर बैंकिंग ऐप्स की, तो सेफ्टी नेट में यहाँ पर सब कुछ ट्रू देखने को मिलता है। मैं आपको अगर टेस्ट करके दिखाऊँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिवाइस सर्टिफाइड हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कि बैंकिंग ऐप्स में कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर मैं देखने को नहीं मिलेगी। मैं गूगल पे, आप यहाँ पर देख सकते हैं योनो SBI, गूगल पे, फ़ोनपे, मैं सब कुछ यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, आपको सब कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर कोई भी सेफ्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस अब हम यहाँ पर लास्ट फीचर की बात करते हैं, वो है बैटरी, क्योंकि इस रोम का सबसे प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलने वाला है। अब हम यहाँ पर चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, आपको सबसे पहले तो सेटिंग में से आपको बैटरी को यहाँ पर दिखाते हैं। व्यू यूसेज पर आपको सबसे पहले करते हैं क्लिक, और यहाँ पर होने, हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं इंस्टाग्राम, ये दोस्तों 24 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक रिफ्रेश सा हो जाता है, ये पूरा नहीं दिखाता है, लेकिन मैंने बहुत कुछ यूज़ किया हुआ तो मैं आपको बैटरी की सबसे पहले चार्जिंग हिस्ट्री और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो हिस्ट्री में चलें, हिस्ट्री में प्लस माइनस 24% आप देख पा रहे होंगे 5 घंटे 57 मिनट में, 6 घंटे में ये माइनस 24 डिस्चार्ज हुआ है, प्लस 92% 3 घंटे के अंदर, सिर्फ 3 घंटे में ये प्लस 92% चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं बैटरी का कमाल, और माइनस 91% 20 घंटे 59, मतलब कि 21 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है इसने। मैंने यहाँ पर 3 घंटे, 3.5 घंटे में इसको चार्ज किया, प्लस 92% देख रहे हैं आप, टाइमिंग भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और माइनस 91% ये डिस्चार्ज हुआ है 21 घंटों के अंदर। तो बैटरी बैकअप कमाल का है, एकदम लाजवाब है बैटरी बैकअप के मामले में कोई इशू नहीं है, और मैं इसको बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। मैं और भी आपको स्टेटिक्स दिखाऊँ, माइनस 41% 7 घंटे 55 मिनट यहाँ पर है, और भी आप देख पा रहे होंगे कितना सारा मैंने यहाँ पर यूज़ किया फ़ोन को, प्लस माइनस आप देख रहे हैं पूरा बैटरी बैकअप दोस्तों झकास देखने को मिलेगा आपको। एक बार आप चार्ज कर लेंगे तो आपके एकदम 20-21 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे, और दोस्तों अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो और भी ज़्यादा आपको बैटरी का बैकअप देखने को मिल जाएगा। कोई भी ऐप्स में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जेन पार्ट्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, कोई बग्स दोस्तों इसमें देखने को नहीं मिलता है। और ये जो गूगल का ये जो आइकन्स है वो भी काफ़ी पसंद आता है दोस्तों, यहाँ पर अभी एक कुछ मतलब उतला सा कोई बन करके आता है, तो इस तरीके से दोस्तों काफ़ी प्यारा लगता है। दोस्तों मैं इसकी बात कर रहा था, आप गूगल पर अगर फोकस करेंगे तो ये देख सकते हैं एक इमोजी सा आ रहा है बाहर, एकदम मतलब कि बहुत हैप्पी लग रहा है ये इमोजी, और एकदम बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, तो गूगल के अंदर से, तो ये काफ़ी प्यारा दोस्तों फीचर है, हो सकता है ये अपडेट हो गया हो। तो दोस्तों यूज़ करिए इस रोम को, आप लॉन्ग लास्टिंग इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो बस दोस्तों यही वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद अगर लाइक नहीं किया तो कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लो, और हम मिलने वाले आपकी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाले हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो गुड बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें अपने चैनल के ऊपर, सपोर्ट करें, धन्यवाद।